everyone, hum kar rahe hain class 12th ka maths and we are on chapter number 2 and exercise 2.1. So question number 3 dekhte hain. Question 3 mein we have to find the principal value for cosec inverse 2, right? Ab cosec inverse 2 ki value hume find out karni hai. To hum yahan par kya likh sakte hain? Cosec inverse 2 की जगह हम क्या लिखेंगे ये हमें देखना है राइट तो कॉसेक की वैल्यू कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल कब होती है जब हमारा थीटा जो है वो इक्वल हो पाई बाय 6 के कॉसेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 अगर आपको कॉसेक की वैल्यूज ना याद हो तो आप साइन की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ अगर आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो हाफ कब होता है साइन थीटा हाफ होता है हमारा किस पर पाई बाय 6 पर तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक पाई बाय 6 क्या हो जाएगा हाफ का रेसिप्रोकल दैट इज 2 तो ये हमारे पास आ गया दैट कॉसेक पाई बाय 6 जो है वो इक्वल है किसके 2 के तो यहां पर जो 2 था इसकी जगह हम लिख देंगे कॉसेक पाई बाय 6 राइट अब क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें बस ये देखना है क्या ये थीटा जो है दैट इज पाई बाय 6 ये बिलोंग करता है इसकी रेंज है कॉसेक इनवर्स की हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तो पाई बाय 6 जो है वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा राइट इसी इंटरवल में लाई करेगा दैट इज माइनस पाई बाय 2 से प्लस बाय पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब यहाँ 0 नहीं होना चाहिए सो हमारे पास इससे क्या रिजल्ट आ जाता है हमें पता है दैट कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है राइट हमारे पास क्या आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा और थीटा हमारे पास क्या है दैट इज पाई बाय 6 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 तो यहाँ पर हमने क्या किया हमें जो है वैल्यूज याद होनी चाहिए राइट तो कॉसेक इनवर्स 2 था 2 की जगह हमने रख दिया कॉसेक पाई बाय 6 और हमने देखा कि जो पाई बाय 6 है ये लाई करता है इन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इंटरवल राइट और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा हमारा इस इंटरवल में थीटा के इक्वल होता है सो कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 6 हमारा किसके इक्वल आ गया पाई बाय 6 के तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई फॉर दिस जो ये आपका कॉसेक इनवर्स 2 गिवन था राइट तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर हमारे पास आ गया पाई बाय 6 अब एक चीज़ और है सोचिए यहाँ पर हमारे पास कॉसेक इनवर्स 2 है अगर इसी क्वेश्चन में हमें कॉसेक इनवर्स माइनस 2 गिवन होता तो हम क्या करते तो हम यूज़ करते हमारे पुराने जो फॉर्मूलाज हैं उसमें हमारे पास होता है दैट साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के सिमिलरली कॉसेक माइनस थीटा भी हमारा किसके इक्वल होता है वो भी हमारा माइनस कॉसेक थीटा के ही इक्वल होता है राइट तो उसी तरह से हम इसको यूज़ करते और हम फाइंड आउट कर लेते कॉसेक माइनस 2 की वैल्यू भी कॉसेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू राइट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज थैंक यू